गुरु जी, संगत जी, मैं आज आपको अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये गुरु जी की आज्ञा है। मैं गुरु जी से 2017 में जुड़ी। 2018 में मैं बड़े मंदिर गई। पहली बार मेरे मिस्टर की, अंकल की बहुत तबीयत खराब थी। फिर मैं दोनों बेटों के साथ वहाँ गई। वहाँ पे हमें प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, मठरी और चाय प्रसाद। फिर हम लोग 24 दिसंबर को गए हुए थे। तो मठरी और प्रसाद खा के घर आए तो इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। 2 दिन तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। फिर हम लोग 27 तारीख की रात को इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। इन्होंने कहा नाम सिमरन चला दो, वाहेगुरु का सिमरन चला के सो गए। सुबह 5:30 बजे गुरुजी ने खुद लेने आए इनको, अंकल को, और मेरे बेटे के रूम में इतनी रोशनी करी, इतनी रोशनी कि मेरा बेटा डर गया और वो कंबल ओढ़ के और सो ही गया। उसे थोड़ा डर सा लग रहा था, कह रहा था ये रोशनी पता नहीं काहे की है। बाहर भी देखा तो अंधेरा ही था, सब सो रहे थे, ये सो गया। हमें पता नहीं था गुरुजी खुद आए हैं हमारे यहाँ। गुरुजी तो फिर है ना, इन्होंने इनको खुद लेने आए थे गुरुजी। ये सुबह हम लोगों ने उठाया इनको तो ये शांत हो चुके थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया। पर जब बेटे ने सुबह उठ के बताया कि मम्मी मेरे रूम में बहुत ज़्यादा रोशनी हुई थी, तो समझ में आया कि गुरुजी खुद लेने आए थे, उन्हें अपने चरणों में रखा है। और इधर हम लोग बहुत परेशान भी थे। मेरी बहू भी चली गई थी, उसका भी डिवोर्स हो रहा था। डिवोर्स में भी हमें ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। उसी ने ही सब कुछ किया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बस मेरे बेटे को साइन करने जाना था, उसकी बेटी 8 साल की, अब उसको भी देखना था। हम लोग 2 साल बहुत ज़्यादा परेशान हुए, बहुत ज़्यादा। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें हिम्मत आती गई और हमारी प्रॉब्लम खुद ही गुरुजी सॉल्व करते ही चले गए। ऐसे सॉल्व कर दी कि मेरे बेटे की शादी भी हो गई। बहू भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी गुरुजी ने दी है, जो अब उस पोती को संभाल रही है। गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है, जो हम कुछ कह ही नहीं सकते। हम तो उस काबिल हैं ही नहीं, लेकिन गुरुजी के इससे जुड़ने के बाद जिंदगी बिल्कुल बदल सी गई है। शुक्राना गुरुजी, मेहर करना सब पे गुरुजी। गुरुजी 17 जनवरी को फिर गुरुजी ने हमें टीके में दर्शन भी दिए। गुरुजी का टीका करके हम सुखमनी कर रहे थे। सुखमनी करके मैंने सोचा बड़ा बेटा आ जाए, फिर हम लोग आरती करते हैं। जैसे ही हम लोग आरती करने के लिए अंदर गए, देखा तो गुरुजी का ओम दर्शन टीके में हुआ। साक्षात गुरुजी जैसे आए थे, और आते ही हैं। ये तो सब ही जानते हैं कि गुरुजी बहुत ही दयालु हैं, सबके काम बनाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे सोचने का ढंग ही बदल दिया है गुरुजी ने। जो हम सोचते थे पहले, कोई कुछ कहता था इतना बुरा लगता था, कुछ भी, अब तो ये लगता है ना ठीक है, उसने कहा ना कोई बात नहीं, गुरुजी की जय मर्जी है। अब तो इस खुश रहना, सोचने का ढंग, खुश रहना घर में, मतलब शांति बिल्कुल, ऐसे मतलब अच्छा लगता है। अब जिंदगी अच्छी लगती है, पहले जैसे जिंदगी बोझ सी लगती थी, अब तो यूं लगता है जिंदगी, हाँ गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। और जैसे घर में भी शांति रहती है, जैसे बच्चे भी अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं, कोई परेशानी नहीं। गुरुजी ने इतना हमको सब कुछ दिया है, अब तो कोई परेशानी नहीं है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, सब पे रहम करना गुरुजी। आपसे जुड़ने के बाद तो सबकी जिंदगी ही बदल जाती है।
गुरुजी के दर्शन। गुरुजी एक बार तो क्या हुआ, मेरे बेटे का डिवोर्स हो गया था, दूसरी जगह फिर शादी हुई, तो ना जो पहली थी उसकी बीवी, उसने भड़का दिया बहुत ज़्यादा, मतलब लड़का ऐसा है वैसा है। गुरुजी तो गुरुजी है, उन्होंने तो अपनी लीला रचनी थी। उन्होंने ना लड़की को सब अपने घर वाले सब खिलाफ हो गए थे लड़की के, कह रहे थे अब मत जाओ। अब शादी भी हो चुकी थी उसकी, रिसेप्शन था संडे को, अब उसके घर वाले मना कर रहे थे नहीं जाओ। लड़की कह रही मैं जाऊंगी। अब ये लोग फिर गए उसको लेने गुरुजी का। मैंने बच्चों को कहा जल प्रसाद पी के ही जाना गुरुजी का। गुरुजी का जैसे ही मैंने जल प्रसाद दिया, इतना शहद सा मीठा, बच्चे कह रहे थे मम्मी शक्कर मिलाई है, मैंने कहा नहीं। देखा गुरुजी का इतना जल प्रसाद मीठा शहद जैसा, ये है हमारे गुरुजी। गुरुजी तो गुरुजी की लीला ही अपरंपार है, गुरुजी के लिए क्या कह सकते हैं। गुरुजी तो गुरुजी हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, उनको तो देखना ही है। सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है गुरुजी से जुड़ने के लिए अभी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेहर करना गुरुजी। मेरा पोता भी गुरुजी को ही मानता है, वो तो इतना गुरुजी का भक्त है, मतलब तो दवाई पीता है तो भी यही कहता है गुरुजी दवाई मीठी कर देना, गुरुजी दवाई मीठी कर देना, वो खुद ही पीता है इतना। मतलब बच्चे भी गुरुजी को मानते हैं बहुत ज़्यादा, गुरुजी ने तो हमारी किस्मत ही पलट दी है। वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी से जुड़ने के बाद सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बेटे की शादी भी हो गई 2018 में, 17 में ही हम जुड़े थे, आज 21 है, लेकिन 3 साल में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आ गया है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेहर करो मेरे मालिका। ये मेरा सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना प्लीज़, और गुरुजी का सिमरन ग्रुप है ना, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ सब जने। गुरुजी से जुड़ने के बाद तो गुरुजी की लीला ही न्यारी है, गुरुजी तो गुरुजी हैं। गुरुजी से ही मेरी मासी ने ही जोड़ा था, मेरी मासी बहुत मानती हैं, दिल्ली में ही रहती हैं, वही कह रही थी कि है ना आप लोग दिल्ली में गुरुजी से जुड़ जाओ सब ठीक हो जाएगा। उनका भी शुक्राना है जोड़ने के लिए। मेरी कजन सिस्टर का ही आज फोन कल आया था, सुबह आया था, कहने लगी कि है ना आप सत्संग लाइव करोगे। मैं कह रही थी कैसे कर पाऊंगी, मैं कभी किया नहीं है। कहने लगी वो तो जो बुलवाना होगा वो गुरुजी ही बुलवाएंगे, आप सिर्फ लाइव बैठ जाना। ये है हमारे गुरुजी। कल रात को ही वो मेरी कजन सिस्टर है ना, उन्होंने है ना वो गुरुजी के शब्द में है ना डांस किया है, तो मेरी पोती कह रही थी कि है ना काश हम लोग भी होते इसमें, डांस करते अपन भी गुरुजी के आगे। और इतने में आज फोन आ गया, गुरुजी ने लाइव हमें सत्संग करने का मौका दिया है। मेरी पोती को भी 2 बार दर्शन दे चुके हैं गुरुजी, एक बार तो लेटे हुए थे सोफे पे और एक बार नीचे टेबल कुर्सी लगी हुई थी वहाँ गुरुजी बैठे हुए दिखे थे। नसीब वाले हैं हम लोग, गुरुजी इतना हमको मान सम्मान देते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है उनको मान सम्मान देने का। सब कुछ हमें उन्हें सरेंडर करना है, जो कुछ भी करना है उन्हीं को करना है, और उन्हीं के हम बच्चे हैं तो वो तो ध्यान रखेंगे ही रखेंगे ना गुरुजी। बाकी जो है वो गुरुजी ही हैं, अब तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी से जुड़ने के बाद तो ये लगता है जो कुछ है गुरुजी हैं बस, और कुछ नहीं है। अब तो ना कहीं जाने का मन होता है ना कुछ, यूँ लगता है बस गुरुजी से ही बातें करो बैठ के। गुरुजी से बात करने से इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है मन को, मतलब जो भी टेंशन हो ना सब खत्म हो जाती है। पहले ऐसे थोड़ी देर के लिए मन में अगर कोई बात आ भी जाए तो बाद में गुरुजी से बात करने के बाद यूँ लगता है बस गुरुजी बैठे हैं ना, बस हमें क्यों टेंशन करना। जब गुरुजी खुद कह रहे हैं सरेंडर कर दो तो हमें क्यों टेंशन करना, गुरुजी बैठे हैं सब ठीक कर देंगे। गुरुजी के होते हुए हमें तो टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हम सब उनके बच्चे उनसे जुड़ चुके हैं। मैं तो ये कह रही थी मुझे तो पहचानते ही नहीं है कोई भी, कोई नहीं पहचानता। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे तो कोई नहीं जानता कि गुरुजी का परिवार में मेरा
आज ही फोन आ गया कि लाए सत्संग करो तो सब जानेंगे आपको। कल मेरे मन में ही आया और गुरुजी ने देखो आज मेरी विश पूरी कर दी। ये है हमारे गुरुजी, गुरुजी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। गुरुजी लाख लाख शुक्राना गुरुजी आपका। बेटे की शादी होने के बाद भी बहू इतनी अच्छी है कि मेरी पोती को बहुत अच्छे से रखती है। ये भी सब गुरुजी की ही कृपा है, गुरुजी ने ही किया है जो कुछ भी किया है। क्योंकि पहले हमारे घर में बहुत कलेश रहता था, बहुत दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। अब धीरे धीरे गुरुजी ने सब सही कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, रहम करना गुरुजी, सब अपने बच्चों पे रहम करें गुरुजी। मेरी कजन सिस्टर मुझे बताती रहती है सत्संग, तो मुझे और हिम्मत आती है। और मेरे साथ भी जो भी हुआ है सब अच्छा ही अच्छा हुआ है, जो भी हुआ है सब अच्छा हुआ है। गुरुजी रहम करना सब पे। गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं, हम तो उनके बच्चे हैं, और क्या कह सकते हैं गुरुजी। आप बताइए गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, सब पे रहम करो गुरुजी, सब पे। सब परेशानियों से दूर करना सबको। टीके में दर्शन हुए तो भी यूँ लगता लग रहा था जैसे गुरुजी साक्षात हमारे यहाँ आए हैं। 4 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है, बच्चे कह रहे थे बर्थडे विश है ना हम गुरुजी के आगे ही करेंगे। फिर 4 फरवरी को हमने गुरुजी का सत्संग किया, गुरुजी के आगे ही केक काटा। इतना अच्छा लग रहा था कि गुरुजी ने हम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवाया है। और मेरी नंदे भी आई थी, उन्होंने भी खूब डांस वांस किया गुरुजी के आगे। बहुत अच्छा लग रहा था गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने इतना अच्छा मुझे सत्संग करने के लिए दिया है। और मेरा पोता भी है, 2 साल का पोता है वो भी। अब कहीं भी हम जाते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है, लोग हमें जानते हैं। पहले जो व्यवहार होता था उनका वो व्यवहार नहीं है अब। पहले से बहुत अच्छे से बात करते हैं, सब पहचानते हैं। गुरुजी ने ही सब किया है, सोचने का ढंग बदल दिया है, खुश रहना सिखा दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेहर करो मेरे मालिक, सब पे रहम करो रहम। हमारे धंधे में भी बरकत दी, बहुत परेशानी थी बिजनेस में भी, दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अब वो भी सब सही कर दिया है गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी, मेहर करो गुरुजी। और पहले तो मैं ऐसे रोती रहती थी, रोती रहती थी, मेरा मन इतना अशांत रहता था। अब धीरे 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 गुरुजी से जुड़ने के बाद यूँ लगता है सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बच्चे भी गुरुजी ने बहुत अच्छे दिए हैं, सब घर में सुख शांति है, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। सब जानते हैं सब। गुरुजी मेहर करना मेरे मालिक, रहम करो गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप 5 मिनट करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय, ओ